हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एंड वेलकम टू आवर परवास टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और परवास टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने नया सब्जेक्ट शुरू किया है ऑनलाइन में, नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट। क्या नाम है सब्जेक्ट का? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट इज ऑल्सो नोन एज EDC या बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सबसे बेसिक पार्ट आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है, और जिन बच्चों का भी इंजीनियरिंग किसी भी वीक तरह से वीक है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है आप लोगों को बेटा कि आपका इंजीनियरिंग वीक नहीं है, या तो इंग्लिश वीक है, या तो मैथ्स वीक है, या तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज वीक है, या तो करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस पावर का कंसेप्ट ठीक नहीं है। इस सब वजह से बेस ही गड़बड़ है, तो पूरा मंजिल ही गड़बड़ बन गया, इमारत ही गड़बड़ बन गई है। तो इन सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि आपका पूरा इंजीनियरिंग का हर एक सब्जेक्ट बहुत बहुत सुपर स्ट्रांग हो जाए। सो आज का वीडियो जो है ना, इट इज बेसिकली कवरिंग द करंट। आज हम लोग करंट का डिस्कस करेंगे, और करंट के बारे में क्या डिस्कस करेंगे इसको भी आप समझ लो। देखो, बहुत ही फंडामेंटल चीज है करंट, और करंट का एप्लीकेशंस, यूज, टाइप्स, नेचर, ये सब आप लोग ने अपने फर्स्ट ईयर टू फोर ईयर बीटेक वाले और फर्स्ट ईयर टू थ्री ईयर डिप्लोमा इंजीनियर्स वालों ने देखा है। मगर आज का वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अपने 4 साल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जितना तरह का भी करंट देखा है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितना तरह का भी करंट का वेवफॉर्म्स देखा है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितना तरह का करंट का फॉर्मूलाज देखा है उसको वीडियोज में डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो खास इसलिए बन जा रहा है क्योंकि आपके माइंड में पूरे 4 साल और 3 साल के इंजीनियरिंग का सारे करंट्स को एज अ फ्लैश में आपके सामने रख दिया जाएगा, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में एकदम सक्षम हो जाएं, और आपको भूलने की जो बीमारी है उसका इलाज लेकर के आए हैं। इंसान भूलता कब है? जब आप छोड़ देते हो उस चीज को देखना, पढ़ना या समझना। तो इस वीडियो में आज हम लोग करेंट्स के बारे में क्या क्या देखेंगे। व्हाट इज करेंट? करंट क्या है? टाइप्स ऑफ करंट? कितना तरह का करंट है? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जितना भी करंट पढ़े हो 3-4 साल में, सब देखेंगे आज, ठीक है? नेचर ऑफ करंट, फॉर्मूलाज ऑफ करंट, यूनिट्स वूनिट्स तो खैर जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रियल लाइफ से बहुत ज्यादा आप लोगों से रिलेटेड है, कि कितना एम्पियर ऑफ करंट इज डेडली फॉर ह्यूमन। कितने एम्पियर ऑफ करंट अगर एक इंसान को लग जाए तो वो मर जाएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, ये सवाल पूछा हुआ भी है, कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक उसी तरह से एक और सवाल है कि अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, तो यार हर जगह तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। जो भी चीज इस यूनिवर्स में है उसमें इलेक्ट्रॉन है, कण कण में कन्हैया है। अब बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो फिर ये प्लास्टिक में हमको करंट क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, तो व्हाई वी आर नॉट फेसिंग अ करंट? या एल्यूमिनियम है, या लोहा है, या आयरन है, कोई भी कंडक्टर चाहे नॉन कंडक्टर, में करंट क्यों नहीं मारा? व्हाई दिस डेफिनेशन फेल्स? और हम लोग एक चीज देखेंगे कि करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो फिर करंट स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है कि वेक्टर है? ये सब चीजें तो आपको समझना होगा ना। सो दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को एंड तक देखें, और स्किप करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, पॉज करके जरूर देख लो, मगर इस वीडियो को देखो, यू विल बी गेटिंग अ वेरी वेरी गुड कंसेप्ट। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट आखिर है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? तो करंट इज द, करंट क्या है? एनिमेटेड फॉर्म देखा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। अगर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट नहीं है, इफ इट इज फ्लोइंग, इसी को करंट बोलते हैं। या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ये बहुत ज्यादा करंट अपना
फ्लो दिखा दिया है, इसको हटाया जाए। बहुत फ्लो हो गया यहाँ पे। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट। So we have seen the definition. Now let's see another definition and substance of current. देखिए, the rate of flow of charges through a cross section of some region of metallic wire. Metallic wire का condition अब clear हुआ। जैसे यहां पे हमने पूछा कि flow of electron is known as current, तो फिर plastic में भी तो electron flow कर रहा है, तो क्यों नहीं मारा current? So ये definition सही है, मगर incomplete है। इसको हम लोग fulfill करते हैं। तो पहला डिफिनेशन आप देखो, बेसिक द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ सम रीजन ऑफ अ मेटेलिक वायर, या तो मेटेलिक वायर होना चाहिए या कंडक्टर जिसको बोलते हो, और एन इलेक्ट्रोलाइट, जो बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है, इट इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, इज कॉल्ड द करेंट थ्रू दैट रीजन, उसको हम लोग करेंट बोलते हैं। सेकेंड देखते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है। देन द करेंट एन एनी इंस्टेंट इज गिवेन बाई I equal to dQ by dt. I equal to dQ by dt. I is equal to dQ by dt, where Q is charge and T is time. Del D is differential of charges and differentiation of time. So rate of flow of charge is known as current. अगर वो आपका इफ अ चार्ज क्यू फ्लोस टू द सर्किट फॉर टाइम टी, अगर वो टाइम टी के लिए जा रहा है, तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू सिंपली क्यू बाई टी। तो इट इज अ टाइम डायमेंशनल, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट वर्ड जहां पे आ गया वहां टाइम लगेगा, ठीक है। प्राइस रेट में वहां पैसा जहां लगता है ना, उसका भी डेफिनेशन एक्चुअली रेट है, क्योंकि वो रेट का मतलब है कि वो मनी चेंज होगा टाइम के साथ। तो गोल्ड हैज अ रेट बिकॉज इट इज चेंजिंग विद टाइम, एनीथिंग विच चेंजेस विद टाइम हैज अ वर्ड ऑफ रेट। That clear हो गया, तो यहां पे आप लिख लो रेट इज अ टाइम डिपेंडेंट, रेट इज टाइम डिपेंडेंट, बहरहाल जो भी है कट गया, रेट इज टाइम डिपेंडेंट। चलिए, एसआई यूनिट आपको पता ही है, एम्पियर है, एंड्रे एम्पियर के नाम पे उसका नाम रखा गया है। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, या फिर हम लोग इसको एसआई में कूलम पर सेकंड लिख सकते हैं, चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकंड, मगर एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। तो वन एम्पियर कितना होता है, वन एम्पियर इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा, वन एम्पियर इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। और एक चीज देख लेते हैं, इन मेटेलिक कंडक्टर द करंट इज ड्यू टू मोशन इलेक्ट्रॉन, वेयर एज इन इलेक्ट्रॉनिक्स विद इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयोनाइज्ड गैसेस बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयोन्स मूव। देखो, जब इलेक्ट्रोलाइटिक या केमिकल रिएक्शन या बैटरी के अंदर रिएक्शन होती है, तो वहां पे चार्जेस के साथ साथ आयोन्स का भी कंसेप्ट आता है। तो अभी हम लोग यहां डीक्यू बाई डी टी देख रहे हैं, मगर आयोन्स का भी इलेक्ट्रॉन्स में देखेंगे कि हाउ द आयोन्स आर ऑल्सो वर्किंग। क्लियर, वेरी गुड। The direction of current is taken as the direction in which positive charge moves. जहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव अगर चार्जेस जा रहा है, तो दैट इज अ फ्लो ऑफ करंट, और अगर उल्टा जा रहा है तो उसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। एक और सवाल आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन टू मेक द करंट फ्लो। तो देखो, इफ द वोल्टेज गिवन इज वी, अगर वोल्टेज वी है और एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर है, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी का फॉर्मूला है ई वी, ई इंटू वी इज अ एनर्जी ऑफ चार्ज, तो ये वेलोसिटी हाफ एम वी वी स्क्वायर में ये वी क्या है, वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को अगर आप फॉर्मूला में डालोगे तो 2e v इज व्हाट, वोल्टेज बाय m। अगर 1000 वोल्ट लेते हैं, देन द वैल्यू इज 1.9 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड, 1.9 टू पावर 7 मीटर पर सेकंड। और अगर 100 वोल्ट लेते हैं, जो हम लोगों का जनरली चलता है 100 वोल्ट, 220 वोल्ट, मान लेते हैं 100 वोल्ट हम लोग लेते हैं, देन द वैल्यू इज 6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर
सेकंड 100 वोल्ट के लिए कितना है, यहां तो हम लिखे हैं, फिर से लिख देते हैं, 6 × 10⁶ मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक द करेंट फ्लो। ठीक है, मगर अभी भी एक सवाल रह गया कि किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मान लो ये मेटेलिक है, फ्रॉम आवर दिस डेफिनेशन मेटेलिक कंडक्टर है, तो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करेंट। मान लो ये मेटेलिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऐसे हम हिला दिए तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, नहीं हिलाओगे तो भी फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ही होता है न्यूक्लियस के अराउंड घूमने का, तो करंट क्यों नहीं मार रहा है। उसका रीजन ये है कि द नेट इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी इज ऑल्सो फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, तो द नेट इक्विवेलेंट इज जीरो। इसीलिए यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है जिसका नाम है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो हम लोग देखेंगे वोल्टेज सेगमेंट में इसके बाद वाले चैप्टर में, ठीक है, इसके बाद वाली वीडियो में। तो अभी आपने इस स्लाइड में क्या सीखा, आप लोग देख लो ऑब्जेक्टिव के लिए, कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू सम मेटेलिक रीजन और इलेक्ट्रोलाइट बोथ प्रोड्यूसेस करंट। इट इज नॉट सिर्फ मेटेलिक में ही करंट प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात, फॉर्मूला देखा, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, वहां क्यू क्या है, क्योंकि यूनिफॉर्म करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए डेल लगाएंगे। दूसरा आपने यूनिट्स देख लिया, फिर आपने देखा कि 1 एम्पियर का वैल्यू क्या है, और फिर आपने देखा कि कितना इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होना चाहिए ताकि करंट फ्लो कर सके। मान लो कंडक्टर भी है, ईएमएफ भी है, सब कुछ है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी सफिशियंट नहीं है। कितनी सफिशियंट नहीं है, इतनी सफिशियंट नहीं है, 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड से नीचे में करंट फ्लो नहीं करेगा। Got it? So these are the basic things जिससे objective questions बनता है। देखिए objective questions के लिए बड़ा points याद रखने की जरूरत नहीं है, objective questions के लिए छोटा points आप लोगों को याद रखना बहुत important रखता है। तो इसका short note जरूर से बनाए, short notes नहीं बनाओगे waste हो जाएगा सारा time। Yes, so electric current में एक और बात देख लेते हैं, the electric current जो है वो आपका आ गया I equal to Q by T, जिसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकंड, मगर SI यूनिट आप क्या बताया गया, द SI यूनिट ऑफ करंट इज ऑलवेज एम्पियर, SI यूनिट इज एम्पियर, इसको हम लोग कैपिटल ए भी लिखते हैं। सो SI यूनिट जो है ना वो एंड्रे एम्पियर, जो हमारे एक साइंटिस्ट गुजरे थे जिनका 1775 to 1836, ये काफी साल पुरानी बात है, उसमें उन्होंने अपना नाम पे इसका यूनिट्स को डाला था। नॉट सी हाउ द करेंट फ्लोज, हाउ डू इलेक्ट्रॉन फ्लोज, सो यू कैन सी ओवर हियर के आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल का इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करते जाते हैं। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड जो है ना वो किसी भी एलिमेंट में, किसी भी मॉलिक्यूल्स में, किसी भी सब्सटेंस में बाई डिफॉल्ट प्रेजेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन इट्स ओन सर्कल। अब यहां पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, देखो आप यहां पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट को भेजने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ फोर्स लगाना होगा, जिसको हम लोग वोल्टेज या ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस या सोर्स कुछ बोलते हैं। सो नाउ यू आर गेटिंग अ कंसेप्ट कि द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, विच इज कूलम पर सेकंड, मगर सिर्फ इसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से नहीं होगा, उसका एक खास वेलोसिटी भी होनी जरूरी है और एक खास डायरेक्शन होनी भी जरूरी है। अगर दोनों चीजें नहीं होंगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, डिस्पाइट मेटेलिक होना जरूरी है या इलेक्ट्रोलाइटिक होना जरूरी है। मेटेलिक अगर है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक अगर है, जो केमिकल रिएक्शन बैटरी में होती है, तो इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों से फ्लो करेगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट्स को फाइंड करने के लिए सिंपल हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है आई इक्वल टू वी बाई आर, I इक्वल टू वी बाई आर, जिसको इसने दूसरे वोल्टेज, दूसरे भाषा में नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस ले लिया है। सो वी विल सी दीज ऑल दीज फॉर्मूला, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। सो मगर फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स विथ मोर देन वन वायर, द करंट कैन बी डिटरमाइंड बाई द किरचॉफ्स टू लॉज। वह कौन कौन सा लॉज है किरचॉफ्स का, आप लोगों को पता ही है, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर मोर देन वन वायर में करंट्स फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का नेटवर्क थ्योरी बेसिक शुरू ही यहीं से होता है कि
करंट KCL और KVL, उसमें आप डायरेक्शन को समझेंगे, मगर सिंपल करंट जो होता है वो क्या होता है, I इक्वल टू V बाई आर इन एम्पियर। तो I का क्या क्या फॉर्मूला देखा अभी तक आपने, दो फॉर्मूलाज देख लिया, I इक्वल टू dQ बाई dt या I इक्वल टू Q बाई t एंड I इक्वल टू V बाई आर। मगर यहां एक और बात देखना है कि इन कंडक्शन although the current is only due to electron, the current were earlier assumed to be positive charge flowing from the positive of the battery to negative, ठीक है, मगर actually है क्या ना, the direction of the current is taken in the opposite direction। देखो current जो flow करता है, अभी देखना यहां पे, ये जो साइन यहां पे चेंज हो रहा है, यहां पे ध्यान देना, करंट फ्लो करता है प्लस से माइनस और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है माइनस से प्लस। करंट फ्लो करता है प्लस से माइनस और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस वाले टर्म को बोला जाता है कन्वेंशनल करंट और प्लस से माइनस वाले टर्म को बोला जाता है करंट, मेन करंट या ओनली करंट। सो व्हाट डू यू लर्न हियर, यू लर्न कि मोर देन वन वायर में लॉज लगेगा किरचॉफ्स का, मोर देन वन वायर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो लॉ लगाना होगा। दूसरी बात, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल करंट जाता है और निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो इसको बोला जाता है बेटा कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। गॉट इट? सो यू हैव लर्न टू इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन दिस स्लाइड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज इनफ टू किल अ ह्यूमन बॉडी, व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज इनफ, इनफ नहीं मोर देन इनफ, इनफ टू इलेक्ट्रोक्यूट, क्योंकि जो मर जाता है करंट से उसका अंग्रेजी टर्म है इलेक्ट्रोक्यूट। सो आपको बहुत शॉकिंग आंसर देते हैं, यस यू कैन गेस द आंसर, कितना एम्पियर, कितना एम्पियर, विदाउट वेस्टिंग टाइम दिस इज ओनली वन एम्पियर, एक एम्पियर का करंट लगा और आदमी गया। मगर ऐसा नहीं है कि एक सेकंड के लिए लगा देने से चला जाएगा, इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, फिर वो कंडीशन होता है, मगर वन एम्पियर जो घर में आपका जो सप्लाई जा रहा है ना, तो पांच एम्पियर का तो खाली स्विच सॉकेट ही है, तो आप समझ लो इट इज डेंजरस। यस, अगर आपसे एक और सवाल पूछा जाए कि 1 एम्पियर में अगर इफ अ पर्सन विल डाई देन माइनस 1 एम्पियर में क्या होगा, ऑप्शन ए मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा, ऑप्शन बी करंट ट्रांसफर हो जाएगा, ऑप्शन सी करंट ग्राउंडेड हो जाएगा, ऑप्शन डी जो तुम सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? द शॉकिंग आंसर अगेन इज 1 एम्पियर में मरेगा तो माइनस 1 एम्पियर में ऑल्सो मरेगा, बिकॉज माइनस 1 एम्पियर कुछ होता ही नहीं है। माइनस साइन इज इंजीनियरिंग इज नॉट अ मैथमेटिकल माइनस, इट इज अ डायरेक्शनल माइनस, जैसे कि प्लस 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, प्लस 1 एम्पियर माइनस 1, अगर करंट A से B जा रहा है 1 एम्पियर है तो B से A जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर नहीं हो जाएगा, सेम करंट है तो वो माइनस 1 एम्पियर हो जाएगा, तो माइनस साइन इज, माइनस साइन इज डायरेक्शन, सो प्लीज डोंट बी मिस्टेकेड बेटा, माइनस साइन डायरेक्शन शो करता है, जैसे वर्क डन निगेटिव होता है, तो वर्क डन निगेटिव क्या है, दीवार को तुम ढकेलोगे, दीवार ढकला गया तो ठीक है, दीवार तुमको ढकेल दिया, अगर वापस रिबैक कर दिया, रिबाउंस कर दिया, तो वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज जीरो आल्सो, फोर्स, फोर्स भी नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन पेन को फेंके नीचे आया, दैट इज नीचे जो आ रहा है दैट इज माइनस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो माइनस साइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, 1 एम्पियर में आदमी मर जाएगा, माइनस 1 एम्पियर मर जाएगा, यानी कि हम लोग को माइनस 1 एम्पियर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलो ना, 1 एम्पियर। सेकंड सवाल इससे एग्जिस्ट करता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी देन, अगर 1 एम्पियर में मर जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या है ह्यूमन बॉडी का, रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 1000 ओम, याद रखोगे सिर्फ 1000 ओम है, स्किन को बस पेनिट्रेट करने की जल्दी है, स्किन में
पिनिट्रेट कर गया करंट, और फिर तो पूरा 70% तो बॉडी हम लोगों का फ्लूइड ही है, ब्लड है, वाटर है, यूरिन है, तो दिस इज अ फास्ट कंडक्टर, लिक्विड इज अ फास्ट कंडक्टर, और फिर जाकर के इट विल लीड टू अ डेथ। सो 1 एम्पियर सोच लीजिए। चलिए एक सवाल हम लोग करते हैं यहीं पर। यहीं पे एक छोटा सा सवाल करते हैं। क्वेश्चन इज 1 एम्पियर मीन्स, क्वेश्चन इज 1 एम्पियर मीन्स, पढ़ा रहा है? यस। ऑप्शन ए 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, ऑप्शन बी 1 कूलम पर सेकंड, ऑप्शन सी dQ/dt, ऑप्शन डी ऑल। देखिए 1 एम्पियर की बात कर रहा है, तो dQ/dt तो डेफिनेशन ऑफ करंट है, और एक इलेक्ट्रॉन से करंट नहीं फ्लो करता है बेटा, करंट को फ्लो करने के लिए कम से कम आपके पास, कम से कम आपके पास 1.6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो करना चाहिए। सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 1 कूलम पर सेकंड, क्योंकि कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज एंड क्यू इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट कुड बी दिस वैल्यू। और इट मजा आ रहा है 6.21। चलो अभी हम लोग एक और कंसेप्ट देखते हैं करंट का, इसको मिटा देते हैं। करंट स्केलर है कि वेक्टर है? व्हाट इज करंट? इज करंट आ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? आप लोगों को याद दिला दें, स्केलर उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ डायरेक्शन होता है, ओनली डायरेक्शन, और वेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन तो होता ही है, साथ साथ में उसमें मैग्नीट्यूड भी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए कि एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी वो चला रहा है नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड होता है जिसमें, उसको स्केलर बोलते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो 5 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चला रहा है तो वो हमने बोला स्केलर होगा, क्योंकि ये नहीं पता है कि वो किस डायरेक्शन में गाड़ी चला। अगर बोलोगे कि ही इज डायरेक्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मूविंग टुवर्ड्स दिल्ली, और मूविंग टुवर्ड्स गोवा, और मूविंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, तो फिर समझ में आता है कि ठीक है वो डायरेक्शन की भी बात कर रहा है और स्पीड भी पता चला तो मैग्नीट्यूड है। मगर जहां पर सिर्फ डायरेक्शन की बात होगी वो स्केलर हो गया, और जहां पर सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात होगी, जैसे कि एक आदमी 100 के स्पीड से इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, तो ये हो गया क्या? वेक्टर। अब बताओ, स्केलर वेक्टर क्लियर कंसेप्ट कर दिए, अब बताओ करंट क्या है? व्हाट इज करंट? इज करंट ए स्केलर और अ वेक्टर? करंट में मैग्नीट्यूड तो होता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, -1 एम्पियर, -2 एम्पियर, और डायरेक्शन आपको बता दिए थे, द करंट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो स्वाभाविक रूप से करंट को वेक्टर होना चाहिए। बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट doesn't obeys triangular law of vector addition, triangular law of vector addition। देखिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना तो जरूरी है, मगर उसका ए बी पार्ट को ए और बी इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी होना भी जरूरी है। तो दिस इज नोन एज द ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो करंट फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए करंट क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपने देखा कि हाउ मेनी एम्पियर ऑफ करंट इज इनफ टू किल अ बॉडी, किल अ पर्सन? 1 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी? 1000 ओम। व्हाट इज -1 और माइनस का जो कंसेप्ट है, और एक क्वेश्चन हमने देखा व्हाट इज अ करंट, तो इट इज अ 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, गलत आंसर हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। और करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन। अब आगे हम लोग देखते हैं, वेट फॉर एंड वॉच द वीडियो। नाउ वी हैव टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट।
करेंट्स के डिफरेंट टाइप्स, करेंट्स का बेसिक्स हम लोगों ने देखा अभी, यूनिट्स एंड ऑल टाइप्स। अभी हम लोगों को वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंट जो एग्जिस्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा करेंट्स को हम लोग को टच करने की कोशिश करनी है। सो प्लीज़ वीडियोज़ में बने रहें। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप देख लो कि जो बल्ब जल रहा है, बल्ब ऐसे ही नहीं जल रहा है, इट हैज़ ए सर्टेन पार्ट्स जस्ट लाइक अ करेंट इज फ्लोइंग। करेंट अगर इस डायरेक्शन में दिखा रहा है तो इट इज़ बाई डिफॉल्ट कि यहाँ जो बैटरी है वो प्लस से माइनस जा रहा है। तो प्लस से माइनस अगर जा रहा है तो आपका करंट का डायरेक्शन इधर दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो एरो दिखा रहा है, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ये जो इधर डायरेक्शन दिखा रहा है ना, इस तरफ, ये है आपका कन्वेंशनल करंट। और इधर जो जा रहा है करंट, इसका डायरेक्शन क्या है? प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस जा रहा है, ठीक है। सो एक चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट में, एसी करंट एंड डीसी करंट। सो यू कैन सी ऑन द बोर्ड डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। अगली वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करें कि विच इज मोर डेंजरस, डीसी डेंजरस है कि एसी डेंजरस है, और इसका वेरियस एप्लीकेशंस। यस, यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। बहुत मजा आएगा, ग्राफिकल फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट देख लो, बहुत मजा आएगा, चीजें याद रहेंगी, ठीक है। देखो बेटा, ये जो पहला फिगर है, ये जो फर्स्ट इमेज है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आप लोगों के लिए, हम दिखें ना दिखें चित्र दिखना जरूरी है। देखो ये जो ग्रीन से है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मैं भी लूंगा ग्रीन, यस दिस इज ग्रीन। इसको मैं करूंगा थोड़ा सा शेडेड। देखो दिस ग्रीन इज योर एसी, ग्रीन इज योर एसी। रेड रेड रेड, डर गए, रेड इज योर डीसी, डायरेक्ट करेंट, टाइम के साथ चेंज नहीं होएगा, सिर्फ फिक्स मैग्नीट्यूड पे चलेगा डायरेक्ट। हर एक सेकंड टाइम के साथ जो चेंज होगा उसको बोलेंगे बेटा एसी। अब एक और चीज है जो ना एसी है मगर डीसी है, फिर भी कुछ है, वो है ब्लू 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 ब्लू। ये है ऐसा कॉन्स्टेंट, सो दिस इज नोन एज पल्सेटिंग डीसी। ये रेक्टिफायर में यूज होता है, ये एक तरह का डीसी है जिसमें थोड़ा सा रिपल्स रहता है, ये एसी नहीं है, इसमें रिपल्स होता है, जो एक अनवांटेड सिग्नल है, इसको क्या बोला जाता है? पल्सेटिंग डीसी। टर्म्स को खाली देखते जाओ ना। और ये जो ब्लैक से जो जा रहा है, ये है आपका पूरा कोई भी करंट, जो रैंडम बोल सकते हैं इसको। सो नाउ यू गॉट अ कंसेप्ट ऑफ एसी डीसी एंड पल्सेटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोनेंशियल करंट। देखो बेटा ये वाला, यस यू कैन सी द एक्सपोनेंशियल करंट। एक्सपोनेंशियल करंट क्या होता है? जो आपका टाइम के साथ जो है ना बेटा वैरी हो रहा है, टाइम के साथ जो वैरी होता है, घटता है या बढ़ता है, मगर एक्सपोनेंशियली। तो दिस फिगर जो नीचे की तरफ ग्राफ जो जा रहा है वो एग्जैक्ट लीनियर नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का है डैम्ड या सिनुसाइडल करंट। डैम्ड और सिनुसाइडल से पहले इस तरफ आ जाते हैं हम लोग, पहले इस सब का करंट्स को देख लेते हैं। देखो डीसी करंट या यूनिडायरेक्शनल करंट के अंदर में तीन कैटेगरी है, इस तरफ छोटा करो, ये तो समझ गए, मिटा देते हैं, ये तो आप समझ गए हैं। देखिए यहां पर डीसी करंट के अंदर में तीन कैटेगरी है यूनिडायरेक्शनल में। एक है एकदम प्योर डीसी, एक है आपका यूनिडायरेक्शनल डीसी, और इसमें थोड़ा सा पल्सेशन पल्सेटिंग डीसी है, और ये इसमें बहुत कम रिपल्स है और इसमें थोड़ा ज्यादा रिपल्स है, दोनों पल्सेटिंग ही डीसी होगा। अब ऑल्टरनेटिंग करेंट्स में भी तीन क्लासिफिकेशन डाल रहे हैं। एक है ये सिंपल सा ऑल्टरनेट हो रहा है हर सेकेंड टाइम के साथ, ये भी ऑल्टरनेटिंग है मगर इसका वेव फॉर्म वेरी करता है। ये हम लोगों का अलग अलग इन्वर्टर्स में या डिफरेंट वेव फॉर्म्स में या स्मिथ ट्रिगर में, वहां हम लोग यूज करेंगे। और ये वाला भी हम लोगों का सिंपल सा एसी करंट है। इन दोनों में फर्क क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड
ज्यादा है, ठीक है। डी और एफ का में फर्क है एम्पलीट्यूड का। नेक्स्ट हम लोगों का आता है ऑसिलेटिंग करेंट। ऑसिलेटिंग करेंट इज ऑल्सो एसी करेंट, मगर यहां पे ऑसिलेशन जो होता है ये तो एक कॉन्स्टेंट होगी, इसमें फ्रीक्वेंसी। देखो डी और जी में फर्क क्या है ना कि डी और जी में एम्पलीट्यूड सेम है, मगर जी का फ्रीक्वेंसी डी से बहुत ज्यादा है, तीन गुना लग रहा है। नहीं देखो ना, जितना में ये इतना आ रहा है उतना में ये तीन बार जा रहा है, तो ये एक तरह का ऑसिलेटिंग करंट है। अच्छा, यहां पर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, यहां पे एम्पलीट्यूड हर एक साइकिल में वैरी कर रहा है, ये भी ऑसिलेटिंग करंट कहलाएगा, और इसमें भी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों वैरी कर रहा है, इसको भी ऑसिलेटिंग करंट ही बोलेंगे। अब हम लोगों का आता है ट्रांजिएंट करंट, जो यहां पर आपको दिखाया गया है, ट्रांजिएंट करंट और ट्रांजिएंट करंट जो टाइम के साथ जीरो आ जाए किसी भी सिचुएशन में, टाइम के साथ जो जीरो आ जाएगा किसी भी सिचुएशन में, स्टार्ट हो रहा है टाइम जीरो से विद अ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, मगर टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वो मैग्नीट्यूड जीरो आ जा रहा है, तो टाइम के बढ़ने से आपका मैग्नीट्यूड जब जीरो आ जाए उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट। अंग्रेजी वर्ड ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, जो बहुत कम समय के लिए जिंदा रहे उसको ट्रांजिएंट या एफेमेरल बोलते हैं, जो ट्रांजिएंट का मतलब है शॉर्ट लिव्ड। देखो थोड़ा सा टाइम पे आया और फिर वो जीरो हो गया। सो नाउ यू आर गेटिंग अ कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंट। ये सब तीनों हम लोग कंट्रोल सिस्टम में यूज करेंगे, ये हम लोग ऑसिलेटर में यूज करेंगे, ये हम लोग डिफरेंट एनालॉग वेव फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। और एक और है डैम्प्ड या सिनुसाइडल करेंट, तो ये हम लोगों का कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है, करेंट डैम्पिंग सिचुएशन में आ जाता है, ठीक है। डैम्प्ड का मतलब है वो भी टाइम के साथ जीरो हो जाएगा, मगर एक फिक्स साइकिल और फिक्स्ड ऑर्डर में। नेक्स्ट टाइप ऑफ करंट जो आप लोगों के समक्ष है उसका नाम है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। जो आई नेट होता है ना, वो आई नेट इज, आई नेट जो नेट आई इज, इट इज आई ड्रिफ्ट प्लस आई डिफ्यूजन इन सेमीकंडक्टर, इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इन सेमीकंडक्टर। आई नेट इज आई ड्रिफ्ट प्लस आई डिफ्यूजन, ठीक है। अब समझना है कि ड्रिफ्ट क्या होता है। देखो ड्रिफ्ट का मतलब होता है फोर्स। सेमीकंडक्टर में अगर जंक्शन तोड़ के करंट आर पार हो जाए, अगर जंक्शन को वो तोड़ के आर पार हो जाए, इसको तोड़ दे तो, और करंट आपका पी से एन या एन से पी वाइस वर्सा चला जाए, तो इस तरह के करंट को ड्रिफ्ट बोलते हैं, जो फोर्स के कारण निकलता है और ये जंक्शन को तोड़ देता है बिकॉज ऑफ अ हायर पोटेंशियल या इनपुट या ईएमएफ आप लगाए रहते हैं, इसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो यहां पढ़ो, यहां क्या बोलता है, ड्रिफ्ट करंट इज इलेक्ट्रिक करंट बॉल पार्टिकल गेटिंग पुल्ड बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है उसको इधर वाला पुल कर रहा है और इधर वाला पुश कर रहा है और ये जंक्शन टूट जाता है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स करंट है, इलेक्ट्रिकल में यूज नहीं होता है। ऑल्दो द सेम कंसेप्ट अप्लाइज टू मेटल इलेक्ट्रोलाइट एंड सो ऑन, उसमें भी देखा जा सकता है, मगर मोनली हम मेनली हम लोग इसको अपने सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के ट्रांसमिशन में देखते हैं। नेक्स्ट करंट इज डिफ्यूजन करंट। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट का मतलब है ये वाला पार्ट, इसको होल्स जो है ना इधर ड्रिफ्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर ड्रिफ्ट हो रहा है, फोर्स से जा रहा है, इसको इधर ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसको इधर ये अट्रैक्ट कर रहा है। डिफ्यूजन का मतलब होता है न्यूट्रलाइज कर देना। जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जब चार्ज का फ्लो होता है, व्हेन अ चार्ज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, कब तक, जब तक के हायर इक्वल टू लोअर ना हो जाए, तब तक जो करंट फ्लो करेगा हायर से लोअर उसको डिफ्यूजन बोलते हैं सिंपल भाषा में। ये तो कॉम्प्लेक्स कर दिया होगा। डिफ्यूजन करंट इज अ करंट इन सेमीकंडक्टर कॉज्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। तो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर का मतलब क्या, जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में आए और मिलता चला जाए डिफ्यूज हो जाए, जस्ट लाइक आपका जो गर्म से ठंडा का जो हीट ट्रांसफर है वो कब तक ट्रांसफर होता है हीट। आप चाय पीने के लिए बैठे और चाय बहुत गर्म है तो आप उसको चम्मच डाल देते हो, तो चम्मच भी उतना ही गर्म जब तक ना हो जाए तब तक के हीट ट्रांसफर होता रहता है हायर टू लोअर। तो वही कंसेप्ट है यहां पे। दिस इज द करंट व्हिच इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज ऑकरिंग बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, इसको हम एक्सपेंड कर दिए हैं, ये क्लियर नहीं किया, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ड्रिफ्ट का मतलब है फोर्स और डिफ्यूजन का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज जब तक जाता रहेगा तब तक करंट फ्लो होगा, उसका नाम है डिफ्यूजन। The next type of current, which is a very important, और इसको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग यूज करेंगे, नाम है बेटा लीकेज करंट।
जैसा कि नाम ही बता रहा है, लीक कर जा रहा है, और ये एक अनवांटेड करंट है। इसके बारे में बहुत सारा प्रॉपर्टी है। सबसे पहले इसका नाम जान लो, लीकेज करंट। लीकेज करंट का सिंबल है आई नॉट। क्या सिंबल है? आई नॉट। और लीकेज करंट का वैल्यू होता है आई नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन नैनो एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर से भी कम में जाएगा। ये दो बातें समझ गए। लीकेज करंट का एक और बात समझो, लीकेज करंट का अदर नेम देखते हैं, लीकेज करंट और माइनॉरिटी कैरियर करंट। माइनॉरिटी कैरियर, आई फॉर करंट कर दे रहे हैं, लीकेज करंट, माइनॉरिटी कैरियर करंट और थर्मली जेनरेटेड करंट। लीकेज करंट और माइनॉरिटी कैरियर करंट और थर्मली जेनरेटेड करंट और टेम्परेचर सेंसिटिव करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट। नाम ही इतना है तो काम कितना होगा? देख लो फिर से बेटा, लीकेज करंट मिली एम्पियर नैनो एम्पियर में, लीकेज करंट का दूसरा नाम है माइनॉरिटी कैरियर करंट या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट या थर्मली जनरेटेड करंट या टेम्परेचर सेंसिटिव करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब बोलोगे इतना सारा नाम है तो आखिर मामला क्या है? देखो कुछ कुछ नाम तो यही याद करा देंगे आपको हम अभी। जब भी हम लोगों का डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है या रिवर्स बायस में होता है, तो जो फॉरवर्ड बायस में होता है वो वोल्टेज के बढ़ाने से इस तरह से करंट बढ़ता है। ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है तो यहां तक कोई भी वोल्टेज बढ़ने से आपका करंट नहीं मिलेगा, उसके बाद ऐसा लीनियरली शूट करेगा। मगर रिवर्स बायस में क्या होता है, वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे ये करंट जो है ना ये बहुत स्मॉल है, और ये जो करंट है ना ये माइनस करंट, माइनस में ये वाला, तो ये बहुत स्मॉल है, और यही है लीकेज करंट। तो इसका दूसरा नाम है रिवर्स सैचुरेशन करंट। देखो ये रिवर्स बायस में फ्लो कर रहा है, रिवर्स बायस में, और ये सैचुरेटेड है। देख लो एकदम कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है इसके जैसा, कांस्टेंट को ही सैचुरेट बोलते हैं। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट समझ में आ गया। या इसका दूसरा नाम जो आपका है वो है माइनॉरिटी कैरियर करंट। रिवर्स बायस में माइनॉरिटी ही फ्लो करता है, मेजॉरिटी रहता तो फॉरवर्ड में करता और ड्रिफ्ट करके तोड़ के निकल जाता ना। तो दोनों नाम याद हो गया, माइनॉरिटी कैरियर और रिवर्स सैचुरेशन विथ योर ग्राफ। अब तीसरी बात है कि ये नाम तो ठीक है सर जी, मगर ये थर्मली और टेम्परेचर और इसका नाम लीकेज क्यों है? देखो मेन करंट अगर होता तो ऐसे फ्लो करता ऐसे, मगर ये इतना जगह छोड़ के इतना लीकेज है, ये इतना करंट इसका लॉस हो रहा है। सो लीकेज करंट या माइनस रिवर्स सैचुरेशन करंट इज ऑलवेज अ अनवांटेड करंट। इट इज ऑलवेज अ अनवांटेड करंट। तो ये जो है ना लीकेज करंट जो है आपका अनवांटेड करंट है, ये लीक टाइप का चीज हो जा रहा है जो सो नहीं होना था, तो इसको हम लोगों को अवॉइड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही वो करंट है जो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। लीकेज करंट डजंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। बोलोगे सर लीकेज करंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता तो किस पे डिपेंड करता है? इसको हम भी पढ़ के सुना देंगे। लीकेज करंट डजंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, देन लीकेज करंट डिपेंड्स ऑन विच थिंग? लीकेज करंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आई नॉट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाएगा लीकेज करंट ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा। वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लीकेज करंट वोल्टेज पे निर्भर ही नहीं करता है। वो किस पे निर्भर करता है बेटा? वो निर्भर करता है आपका टेम्परेचर पे, एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको हम बाद भी पढ़ाएंगे। फिर लिखा देते हैं आई नॉट टी टू इज इक्वल टू आई नॉट टी वन इंटू टू टू द पावर
E2 माइनस T1 बाई 10, 2 टू द पावर है ये, ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। तो हर 10 डिग्री पे लीकेज करंट डबल हो जाता है ड्यू टू दिस फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछेगा। तो ग्राफ में आपने देख लिया कि लीकेज करंट कहां पे है, सो यू हैव सीन कि लीकेज करंट जो है वो ये है लीकेज करंट, दिस इज योर लीकेज करेंट जो बहुत ही स्मॉल है, नैनो एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में, सिलिकन में नैनो एम्पियर में होता है। और देखो यहाँ तो लिख दिया है सिलिकन में माइनस 20 माइक्रो एम्पियर है जो स्टार्टिंग है वो नैनो तक जाएगा, और जर्मेनियम माइनस 50 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर लीकेज करेंट। अच्छा इसको भी पढ़ देते हैं कि क्या बोल रहा है, लीकेज करेंट इज एन इलेक्ट्रिक करेंट इन अनवांटेड कंडक्टिव पार्ट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, इफ द कंडक्टर आर सेपरेटेड एंड मेंटेन्ड विद अ स्मॉल कंडक्टिविटी रादर देन अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक देन द स्मॉल लीकेज करंट फ्लोज डायरेक्टली बिटवीन देम। अगर हम लोग कंडक्टर को डायलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर दें तो फिर स्मॉलर हो सकता है, मगर जनरली हम लोगों का सेमी कंडक्टर में लीकेज करंट एग्जिस्ट करेगा और उसको आपको अवॉइड करके ही चलना है, और ये टेम्परेचर सेंसिटिव और थर्मली अनस्टेबल करंट होता है। जैसे कि लीकेज करंट रिवर्स बायस में फ्लो होता है, वैसे ही एक और करंट होता है जिसका नाम है डार्क करंट, डार्क करंट। और बाकी तो ग्राफ उसका और इसका सबका सेम ही है, आप देख सकते हो यही है डार्क करंट रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस कंडीशन में। मगर डार्क करंट का जो लीकेज पार्ट है वो होता है सिर्फ फोटो कंडक्टिव डायोड में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है या फोटो कंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो फोटो मतलब लाइट, तो फोटो कंडक्टिव डायोड में रिवर्स बायस में हम लोगों का लाइट से जो करंट निकलता है उसमें हम लोग का रिवर्स बायसिंग में जो लीकेज होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, डार्क करंट। नाउ यू सी व्हाट इज डार्क करंट, मजा आ गया। सो लीकेज करंट और डार्क करंट लगभग सेम थिंग है, रेसिडुअल करंट है, अनवांटेड करंट है जो फोटो कंडक्टर में इस्तेमाल होता है। The next current is current density. It is not a simple current, but we are talking about density. Density का मतलब होता है गाढ़ा, density का formula होता है mass by volume. मगर यार current में कहाँ mass और कहाँ volume? Electron का mass होता है, current को आप तौलने तो नहीं जाओगे। तो यहाँ पर density का word का मतलब ये है कि अगर simple wire से current flow कर रहा है ऊपर ऊपर, if a current is flowing above the wire, then we will say कि current is moving. मगर अगर करंट मूव कर रहा है पर यूनिट एरिया, देखो द फ्लो ऑफ करंट ओवर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया अंदर पूरे एरिया को कवर करके अगर फ्लो कर रहा है तो उसको करंट डेंसिटी से मेजर किया जाएगा। मान लो कि करंट जो है ना सरफेस पे फ्लो कर रहा है, इफ इट इज फ्लोइंग ओवर द सरफेस देन इट इज अ जो स्किन इफेक्ट होता है तो वो आपका करंट कहलाएगा। मगर अगर ये पूरा, ये इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, पूरा अंदर डेंसिटी अंदर तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके बाहर आता है जो जनरली डीसी में होता है, एसी में स्किन इफेक्ट होता है, डीसी में पूरा रॉड के अंदर से करंट निकल के इलेक्ट्रॉन्स पास होता है तो उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। इस चित्र में भी दिखाया जा रहा है आपको व्हाट इज करंट डेंसिटी, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में आ रहा है, सो द करंट डेंसिटी जे टोटल फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम ओवर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। सो द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और यहां तो लिखा हुआ है एसआई पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एंड द सिंबल इज जे, ठीक है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट फ्लोस थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ अ चूजन क्रॉस सेक्शन। इन एसआई बेस्ड यूनिट द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज मेजर्ड इन एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, मगर देयर आर सर्टेन मोर फॉर्मूलाज ऑफ करंट डेंसिटी जिसको हम लोग देख लो, जे इक्वल टू कुछ और फॉर्मूला है आई बाई ए के अलावा, एन क्यू वी या एन ई वी या रो वी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, वी तो वोल्टेज है, ये क्या है नंबर इलेक्ट्रॉन्स, और ए क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन, और क्यू क्या है चार्ज,
और वी क्या है वोल्टेज. सो वी हैव फोर फॉर्मूलाज एन क्यू वी एन ई वी रो वी और जे इक्वल टू आई बाई ए. वी हैव फोर फॉर्मूलाज ऑफ करेंट डेंसिटी. नाउ लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ करेंट. नेक्स्ट टाइप ऑफ करेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे 100% सुने होंगे एडी करेंट. एडी करेंट आपका फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग मूव करता है और एडी करेंट फ्लोज इन क्लोज्ड लूप विद कंडक्टर्स इन प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. पहला तो है कि वो जो लूप है ना आपका क्लोज होना चाहिए और दूसरा है वो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए. इट शुड बी परपेंडिकुलर एंड द लूप शुड बी क्लोज. तो इसमें जो करंट आपका फ्लो कर रहा है इस करंट को क्या बोला जाता है एडी करंट. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है. इसका एप्लीकेशन आप लोग अपने मोटर में जनरेटर में और मैग्नेटिक फील्ड्स में जरूर देखोगे. सो अनदर टाइप इज एडी करंट. अब हम लोग एक और करंट देखते हैं. एडी करंट अगर देख लिए हो तो फिर दो करंट और बचता है. एक है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है मैग्नेटिक करंट. अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में देखा था. अभी यहां पर मैग्नेटिक करंट भी है जो फ्लेमिंग्स आपका राइट हैंड रूल से फॉलो अप होता है. तो मैग्नेटिक करंट में किस तरह से आप लोगों का जो है ना मूव कर रहा है. मैग्नेटिक करंट में आपका करंट का डायरेक्शन कैसे होगा और इलेक्ट्रिक करंट में करंट का डायरेक्शन कैसे होगा. सो अपार्ट फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ करंट वी हैव इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक करंट. एससीआर थायरिस्टर फैमिली के अंदर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है. SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर उसके अंदर भी दो तरह का करंट एग्जिस्ट करता है होल्डिंग करंट एंड लैचिंग करंट. ग्राफ को देखो तुम ये वाला जो करंट है ना यहां देखो ये जो करंट है इसको होल्डिंग बोलते हैं और ये जो करंट है इसको लैचिंग बोलते हैं. अब यहां और यहां इन दोनों से क्या मतलब है. ये है गेट का आपका गेट करंट. जो गेट करंट देखो यहां पर जो है ना आपका ये गेट करंट है. अगर गेट करंट को हटा भी दिया जाए तो भी करंट कंडक्ट करेगा उसको बोला जाता है लैचिंग करंट. और होल्डिंग करंट वो मिनिमम पॉइंट ऑफ करंट है जिसके नीचे फिर करंट कंडक्ट ही नहीं करेगा. ये एससीआर में होता है. सो आप देख लो लैचिंग करंट इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट रिक्वायर्ड टू कीप एससीआर इन कंडक्टिंग स्टेट इवन आफ्टर रिमूविंग ऑफ गेट पल्स या गेट करंट. गेट करंट को हटा भी दिया जाए क्योंकि बिना गेट को ऑन किए तो एससीआर एक्टिवेट नहीं होगा गेट ट्रिगरिंग में. तो गेट करंट को अगर हटा दोगे तो फिर ऑफ हो जाना चाहिए नॉर्मल. जैसे हम लोगों का किसी भी चीज में करंट हटा दोगे तो कंडक्शन बंद हो जाएगा. मगर एससीआर में होल्डिंग करंट आपको सॉरी लैचिंग करंट आपको उसके अगर गेट करंट हटा भी दिया जाए तो लैचिंग करंट करंट को एक्टिवेट रखता है. अब होल्डिंग करंट क्या है आईएच. इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट बिलो व्हिच एससीआर कैनॉट मेंटेन. मतलब यहां पर एससीआर ऑफ हो जाता है. अगर होल्डिंग करंट से नीचे करंट को पहुंचा दो तो एससीआर ऑफ हो जाएगा और गेट करंट को हटा दो तो लैचिंग करंट के ऊपर अगर करंट रहेगा तो एससीआर ऑन रहेगा. सो नाउ यू हैव सीन मैग्नेटिक करंट इलेक्ट्रिक करंट होल्डिंग करंट लैचिंग करंट. होल्डिंग और लैचिंग किसमें आता है एससीआर में. और बच्चा अपना ट्रांजिस्टर बीजेटी बीजेटी में क्या क्या करंट आप देख रहे हो. एमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट. कलेक्टर करंट एमीटर करंट और बेस करंट आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी. चाहे PNP हो चाहे NPN हो IE इक्वल टू IB प्लस IC होके रहेगा. सो हम लोगों का जो BJT में तीन तरह का मोर करेंट आपने देख लिया एमिटर बेस एंड कलेक्टर. और SCR में क्या देखा होल्डिंग एंड लैचिंग. इलेक्ट्रिकल में क्या देखा मैग्नेटिक एंड एडी. अभी आपका एक और करेंट देखते हैं हम लोगों का जो है ड्रेन करेंट. ड्रेन करेंट आईडी देख लो. गेट करंट आईजी कहां गया जी. जी तो यहां पर है आईजी कहां गया. और सोर्स करंट IS. तो बीजेटी में आपका होता है एमीटर बेस और कलेक्टर करंट और फेट में होता है ड्रेन सोर्स और गेट करंट. फॉर्मूलाज भी देखेंगे फॉर्मूला आगे भी देखेंगे और यहां भी देख लो आईडी इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाय VP का होल स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रेन करंट.
When we have seen the basics of current, different types of current, now we have to see the various formulas of current. कुछ कुछ formulas को भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं. तो current formula में जो आपका पहला है वो है I equal to P by R under root. I equal to P by R under root, इसका unit है where P is power और R is resistance. तो ये कहां से आया? P equal to I square R. तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं. दूसरा है V equal to IR, V equal to IR, P equal to VI. तो इन दोनों से हम लोग बहुत सारा करंट का फॉर्मूला इन दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं, जिसको एक आपको दिखाया गया. सेकंड देखो बच्चों, तो ये वाला जो हम लोगों का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, जो ओम्स लॉ को भी डिस्कस करता है. तो दिस इज अ बेसिक ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ हम लोग देखेंगे, लीनियर, नॉन लीनियर एक्सेट्रा. अनदर टाइप ऑफ करंट जो हम लोगों को देखना है वो है आई इक्वल टू ए एन वी क्यू, वेयर ए इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज वोल्टेज एंड क्यू इज इलेक्ट्रिक चार्ज. और भी कुछ कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि आपका एमीटर आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये भी एक फॉर्मूला है. ये भी एक फॉर्मूला है आई डी इक्वल टू आई डी एस एस वन माइनस वी जी एस बाई वी पी का होल स्क्वायर. और भी एक फॉर्मूला करंट का देख लो, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल टू डी वी बाई डी टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू एनी, और क्यू इक्वल टू आई टी, आई इन टू टाइम, देयरफॉर आई टी इज इक्वल टू एनी, therefore I equal to any by t. ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है. J equal to I by a, therefore I is equal to J a. ये भी एक फॉर्मूला है. I not t2 is equal to I not t1 into 2 to the power t2 minus t1 by 2. ये भी एक फॉर्मूला है. सो इस वीडियो को आपको बनाने का जो मेन मकसद ये था कि देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जब अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो आप इस तरह से नहीं पढ़ सकते हैं कि आपने पहला करंट पढ़ा, वोल्टेज पढ़ा, फिर रेजिस्टेंस पढ़ा, फिर डिजिटल पढ़ा, फिर कंट्रोल पढ़ा, फिर कम्युनिकेशन पढ़ा, और पीछे वाला सब भूलते चले गए. तो ये प्रोसेस साइकिल तो पढ़ना भूलना लगा रहेगा, तो एग्जाम कब निकालोगे? 10 साल भी तैयारी कर लोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा. हम लोगों का 11 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब निकलवाने का, और सबसे खास बात है एवरेज बच्चों को गवर्नमेंट जॉब निकलवाते हैं. तो बेटा, इसीलिए आप लोगों को ये पूरा करंट का एक जगह सारा पिक्चर को आपको क्लियर करके दे दिया गया, ताकि आप चीजों को पिक्चराइज करो, याद रखने की कोशिश करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ. और आज के वीडियो से कम 50 क्वेश्चन अवेलेबल बन सकता है, जो आपको हम असाइनमेंट और टेस्ट में कराएंगे, और जरूर कराएंगे. बस आप लोग बने रहो. अगर वीडियोस पसंद आया, यूट्यूब में देख रहे हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दो, और ऐप में देख रहे हो तो उसको शेयर कर दो. थैंक यू वेरी मच. सी यू वेरी मच सून.